नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता चल है कि डेली रात को आठ बजे यानी कि हम मैथ का सेशन चला रहे हैं और उसमें हमारी चक्रवेदी ब्याज सीरीज चल रही है और हम उसमें आपके सामने लेकर आए हैं यानी कि छठी क्लास और डेली जो है आपके दस से ग्यारह क्वेश्चन हमारे यहाँ होते हैं चक्रवेदी ब्याज में ठीक है और आपको सीखने मिल रही होंगी जादुई ट्रिक यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जिससे कि आपको डर तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज का पहली बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज से डर खत्म हुआ क्योंकि आपको लगता होगा बहुत टफ है बहुत ज़्यादा टफ है बहुत ज़्यादा टफ है मगर कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है भैया तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास और बड़े प्यारे तरीके से करेंगे देखिए ये क्वेश्चन टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है भैया थोड़ा सा बता देते हैं और क्लास नंबर जो है हमारी छः है और आप जिस प्राणी से पढ़ रहे हो उसका नाम है सद्दाम तो भाई सद्दाम सर ठीक है और अब होगा मैथ का डर ख़त्म आपका ठीक है भाई और डेली क्लास जो आती है आपको आठ पी आती है और यू री एग्ज़ाम के लिए रिविज़न क्लास है ये साथ ही साथ रेलवे में जो है ये आपकी भूमिका निभाने वाली है बहुत ज़्यादा ठीक है तो सभी जितने भी एग्ज़ाम में आपका मैथ आता है उस सबके लिए ये बहुत ज़्यादा बोस्ट बहुत ज़्यादा सपेशियन और बहुत ज़्यादा बिंदास क्लास है मैथ एक बार पढ़ लो फिर उसके बाद हम भूल जाओ सारी चीज़ों को फिर मैथ आपका हो जाएगा विकट ठीक है तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और सेशन का हमारा बावनवा क्वेश्चन और आज हमारा है पहला क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन है चार हज़ार रुपये आठ प्रतिशत की दर से एक वर्ष तीन माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कल की लास्ट क्लास जो देखते हैं हमने इसी पर खत्म की थी इसी टॉपिक पर देखो चाहे आप देख लीजिए हमने ऐसे ही टॉपिक पर शुरू खत्म की थी क्लास ये देखिए इस चीज़ को देखिए क्वेश्चन क्या था पाँच हज़ार रुपये पाँच प्रतिशत की दर से एक वर्ष तिहत्तर दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ठीक है इससे आगे पहले देखेंगे दस हज़ार आठ सौ सो रुपये सोलह से ही दो बट तीन प्रत्येक दर से दो वर्ष तिहत्तर दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो ये हमने कल हमने बता दिए थे इसी तरीके के तो पहले वो भी क्लास देख ली होगी तो आपको ये क्लास अच्छी लगेगी ठीक है भैया तो चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है चार हज़ार रुपये आठ प्रतिशत की दर से एक वर्ष तीन माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मैंने आपको बताया था कि जब जब टूटी पूठी बिल्कुल टूटी पूटी जब आपकी कंडीशन हो बिल्कुल टूटी फूटी कंडीशन हो तो हम उस समय पर क्या करेंगे क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने वाले हैं देखिए क्या हमने लिखा है चार हज़ार यानी कि प्रिंसिपल हम क्या लिखने वाले हैं चार हज़ार हम प्रिंसिपल लेने वाले हैं है, और दर हमारी जो है बच्चा वो आठ प्रतिशत है तो आठ चौ बत्तीस हमारी तीन सौ बीस रुपये जो आ गई यहाँ से हमारे आ चुका है धन ठीक है भाई आगे करने वाले हैं तीन सौ यानी कि तैंतालीस सौ रुपये हो चुके हैं और इस पर हम निकालेंगे पहले तो आठ प्रतिशत ठीक है आठ प्रतिशत निकाला और इसका हमें क्या करना है तीन माह तीन माह वो कर देंगे बारह का भाग ठीक है ठीक है तैंतालीस सौ को सॉरी तो तीन से कितनी बार आपका तीन तैंतालीस सौ बीस कितना लिखेंगे हम यहाँ तैंतालीस सौ बीस ठीक है अब यहाँ करेंगे तीन से चार बार और चार से कट कर देंगे कितनी बार दो बार और बटे में कितना है सौ ठीक है भाई तो इस दो से गुणा करके पॉइंट लगाना दो जीरो जीरो दो धुनी चार ठीक है भाई आपका और आपका दो चौक आपका आ जाएगा आपका हो जाएगा दो तीया छ हो जाएगा ठीक है और आपका आ जाएगा दो चौक आठ तो ये आना चाहिए शायद चार सौ चौंसठ और कितना पॉइंट आ जाएगा ये छियासी पॉइंट चार आ जाएगा तो सारा अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है पॉइंट चार ठीक है आठ आपका सॉरी छः और आपका आठ और दो दस यानी कि जीरो और तीन और एक चार तो आपका कितना आना चाहिए छ चारो चार चा, चार सौ चार चाहिए अब ऐसा तो है नहीं यहाँ तो ऐसा एस, ऐसा नहीं है तो हम क्या लगा, लगाएंगे नोट लगाएंगे क्या लगाएंगे नोट ठीक है भाई हम लगाएंगे नोट तो हमारा क्या आंसर है नोट इसका आंसर है एक बार इसको देख लो अच्छे से फिर आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हो समझ में आ गया होगा शायद उम्मीद कर रहा हूँ ठीक है भाई चलो नोट करो इसे अच्छे से फुर्ती से ठीक है भाई ऐसे ही क्वेश्चन करना है प्यारे तरीके से क्वेश्चन करना समझ लेना है क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से ठीक है, है भाई क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से समझ लेना है जब आगे बढ़ना है ठीक है चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं शायद आपने नोट कर लिया होगा इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तिरपन क्वेश्चन नंबर तिरपन भी कुछ इसी ढंग का है क्वेश्चन नंबर तिरपन में क्या कहा गया है पचास हजार रुपये छह प्रतिशत की दर से एक वर्ष एक वर्ष छः माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा एक वर्ष छः माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है एक वर्ष छः माह का तो करो इस क्वेश्चन को पहला ऑप्शन है आपका पैंतालीस सौ नब्बे दूसरा ऑप्शन है चवालीस सौ नब्बे तीसरा अड़तालीस सौ नब्बे चौथा है इकसठ सौ बीस इस क्वेश्चन को बनाओ अच्छे से फुर्ती से. ठीक है फुर्ती के साथ बना दो तो देखिए हमने अभी करा है प्रिंसिपल हमारा कितना है प्रिंसिपल है हमारा पचास हज़ार ठीक है और दर कितनी है हमारी छः प्रतिशत अब परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं छः पंजे तीस यानी कि तीन हज़ार तो आ गया हाँ सर अब हमारा हो चुका है तिरपन हज़ार तिरपन हज़ार हो चुका है तिरपन हज़ार पर हम क्या निकालेंगे छः प्रतिशत दर निकालेंगे बटे सौ परंतु ये एक वर्ष का है तो हमें निकालना छः बटे बारह यानी कि कितने का आधे वर्ष का ठीक है भाई इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल इस छः से ये दो बार कहते हैं छः दो नी बार है और इस दो से कितनी बार ये तीन बार वो तीन से गुणा करनी है तीन जीरो जीरो तीन तिया नौ और तीन पंजे पंद्रह पंद्रह सौ नब्बे आ चुके हैं ठीक है भैया अब इन दोनों को जोड़ दीजिए अब पंद्रह पैंताली पैंतालीस सौ नब्बे आ गया होगा आपका तो कितना आ जाएगा पैंतालीस सौ नब्बे समझ लो इस बात को नोट करो पहले मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को दोबारा समझो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल आ गया आपका पाँच हज़ार पाँच हज़ार पर हम छः परसेंट निकालेंगे तो इसका देखिए ऐसे निकालते हैं जिन बच्चों को नहीं पता पचास हजार पर छः परसेंट कैसे निकालते हैं ये तो इसका मतलब ये जो होता है थोड़ा नए बच्चों को जो दिक्कत आएगी जो प्रमोट होने वाले बच्चे हैं छः बटे सौ ऐसे लिखते हैं इस सो को और इन दो जीरो से क्या कर देंगे दो जीरो कैंसिल कर देंगे छः जीरो जीरो छः जीरो जीरो और छः पंजे आपका तीस इस तरीके से आपका आ चुका है आंसर ठीक है तो तीस आ गया था ऐसे ही फिर तीस हज़ार जोड़ लिया तो तीन हजार जोड़ दिया तो कितना हो गया तिरपन सौ तिरपन सौ पर छह निकाला अब ऐसा भी कर सकते हैं आप कि पहले छः परसेंट निकाल लो छः परसेंट निकालेंगे तिरपन तरेपन सौ का आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो तिरपन हज़ार का छः परसेंट निकाल लो दो जीरो दो जीरो ठीक है छः जीरो जीरो छत्तीस अट्ठारह ठीक है छपजी तीस और एक इकतीस परंतु इसका कितना निकालना है छः बटे बारह कर दो आधा निकाल दो एक वर्ष का है तो, तो दो से कट कर करेंगे कितना आ गया आपका पंद्रह सौ नब्बे आ गया तो आप चाहते हो तो ऐसे भी कर लो पूरे वर्ष का निकाल कर आधा कर लेना तब जोड़ दो ठीक है तो अब आपका क्वेश्चन ये ऐसे ही बन सकता है ठीक है वैसा ज़्यादा भारी तो क्वेश्चन है नहीं परंतु क्या पता नए बच्चों को थोड़े भारी लग रहे हूँ तो इसमें तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एक यही होता है कि चेहरे बच्चों का इंप्रेशन देख कर चेहरे का पता चल जाता है कि बच्चों को क्या है देखिए मैं आपको बताऊंगा फिर भी ऑफलाइन ऑफलाइन ही होती है ऑनलाइन तो वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम बस यही है तो भैया मजबूरी में बच्चे जो जिनके पास समय नहीं है जो अपने अपने नौकरी कर रहे हैं जो अपने घर पर कोचिंग तक नहीं आ सकते तो उनके लिए तो थोड़ा सा आसान है ठीक है परंतु देखिए ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता ठीक है आर्य बात समझ क्योंकि ऑफलाइन में क्या है टीचर के भी भाव को पढ़ते हो फिर कॉम्पिटिशन में जो जाते हो तो वहाँ भी आप देखते हो कि क्लास में हमारा किसके साथ कॉम्पटिशन है यहाँ क्या किसका कॉम्पिटिशन नहीं पता कर पाओगे मगर चलिए सुविधाएँ आपको मिल रही हैं तो उसका जो है आपको बेनिफिट होना चाहिए ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है चौवनवा क्वेश्चन है देखते हैं क्या क्वेश्चन है समझ गया नहीं एक बार पढ़ लेते हैं हाँ जी चौवनवा क्वेश्चन है एक आदमी कलर चेंज कर देते हैं आधे बच्चे कहेंगे सर दिखाई दे रहा एक आदमी ने तीस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन हज़ार रुपये बैंक से उधार लिए वर्ष के अंत में एक हज़ार रुपये लौटा देता है तो तीसरे वर्ष के अंत में हिसाब चुकता करने के लिए कितना धन देना होगा बढ़िया क्वेश्चन है थ्री स्टार वाला क्वेश्चन है थ्री स्टार वाला क्वेश्चन है ये ये समझ लीजिए तीन स्टार वाला क्वेश्चन है कर दो इस क्वेश्चन को चलो मैं हट जाता हूँ साइड से इतना आपको लग रहा होगा तो एक आदमी ने तीस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन हजार रुपए बैंक से उधार लिए हैं वर्ष के अंत में एक हजार रुपये लौटा देता है तो तीसरे वर्ष के अंत में हिसाब चुकता करने के लिए कितना धन देना होगा छत्तीस सौ एक रुपये छत्तीस सौ पैंतीस सौ तीन सैंतीस सौ एक ठीक है भैया क्वेश्चन ये करना है क्या है क्वेश्चन देखिए क्या करना है यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ प्रिंसिपल आपका है तीन हजार तीन हजार दर कितनी है तीस प्रतिशत तो तीस प्रतिशत का धन कितना आ गया तीन या नौ कितना आ गया नौ सौ रुपये आ गया तो हमारा मिथन कितना हो गया उनतालीस सौ एक वर्ष का उनतालीस सौ में से एक हज़ार रुपये हमने क्या कर दिए हैं पे कर दिए अब कितना बचा उनतीस सौ उनतीस सौ पर तीस प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा उनतीस या 87. सतासी आठ सौ सत्तर रुपये आ गया आठ सौ सत्तर रुपये इसमें जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा ज़ीरो सात और सैंतीस सौ सत्तर आ जाएगा ठीक है इसमें से फिर मैं एक हज़ार रुपये घटा देता हूँ तो फिर कितने बचेंगे सत्ताईस सौ सत्तर रुपये बचेंगे इस पर फिर तीस परसेंट में लगा देता हूँ तो तीस परसेंट से क्या आ जाएगा दो जीरो से दो ज़ीरो कर देंगे तीन सत्ते इक्कीस हासिल लगे दो तीन सत्ते इक्कीस और दो तेईस दो तीन धूनी छः और दो आठ सौ इकतीस अगर आठ जोड़ू में जोड़ूँ इसमें तो कितना आ जाएगा छत्तीस सौ एक आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से छत्तीस सौ एक आ जाएगा ठीक है भाई तो अब उनने यही बोला है उसने यही तो बोला है पहला वर्ष हो गया दूसरा वर्ष हो गया तीसरा वर्ष हो गया तो तीसरे वर्ष में कितना पे करना पड़ेगा हमें धन हिसाब चुकता कितना छत्तीस सौ एक करना पड़ेगा यही तो क्या है इनने और यही हमारा जो है आंसर है देख लो ए विकल्प में आपका ये आंसर है ठीक है सवाल को दोबारा पढ़ो एक आदमी ने तीस प्रतिहत दर से तीन हज़ार रुपये लिए ठीक है तीन हजार रुपये ले लिए बैंक से उधार लिए एक वर्ष के अंत में एक हजार रुपये उठा दिए तो एक वर्ष में जो है कितना हो गया नौ सौ रुपये का ब्याज हो गया तीन हज़ार उसके पास हो गया उनतालीस सौ रुपये का धन हो गया एक हज़ार जो लौटाए तो अगले बार तो बैंक में कितने बचे उनतीस सौ रुपए यानी उस साहूकार के उनतीस सौ बचे अब उनतीस सौ पर तीस परसेंट फिर लगेगा तो आठ सौ सत्तर आ जाएगा फिर कितना आ जाएगा सैंतीस सौ सत्तर हो जाएगा एक हज़ार फिर उन्हें चुकता कर दिए तो कितने बचे सत्ताईस सौ सत्तर अब उसकी वाइफ ने कहा हर बार एक हज़ार रुपये दे रहे हो तीन हज़ार रुपये लिए थे दो हज़ार चुकता कर दिए अभी तुम्हारा हिसाब ही पूरा ना हो रहा आपका मोबाइल क्यों नहीं काटते इसका फिर वरना झगड़ा हो जाएगा भाई घर में तुम्हें पता आज के टाइम में ना लड़कियों को आज के टाइम में लड़कियों को जो है ना बेलन जो है वो लकड़ी का नहीं स्टील का मिल गया जैसे अगर कोई पंगा हो तो भैया स्टील से तुम समझते हो अब आ तुम समझदार हो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सेम क्वेश्चन ऐसा ही है चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है क्वेश्चन क्या है समझ लेंगे पढ़ेंगे अच्छे से पचपनवा क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन एक आदमी ने तीस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये बैंक से उधार लिए वर्ष के अंत में क्या करने में वर्ष के अंत में ठीक है पंद्रह सौ रुपये लौटा देता है तो कितने वर्षों में हिसाब चुकता कर देगा बताइए भाई कितने वर्षों में हिसाब चुकता कर देगा ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा एक आदमी तीस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन हज़ार रुपये बैंक से उधार लेता है वर्ष के अंत में पंद्रह सौ रुपये लौटा देता है तो कितने वर्ष में वह हिसाब चुकता कर देगा कर दो भैया हिसाब चुकता कर दो कितनी जल्दी करना है हिसाब चुकता हूँ प्रिंसिपल तीन हज़ार रुपये दर तीस प्रतिशत नौ सौ कितने हो गए उनतालीस सौ पंद्रह सौ रुपये दे दिए इसने अंत में बचे कितने आपके चौबीस सौ रुपये चौबीस सौ का तीस प्रतिशत चौबीस दिया बहत्तर तो सात सौ बीस रुपये जोड़ दो कितने हो गए इकतीस सौ बीस इकतीस सौ बीस हो गए पंद्रह सौ फिर चले गए बचे कितने सोलह सौ सो बीस सोलह सौ सो बीस फिर तीस परसेंट निकाल दो ठीक है सोलह ते अड़तालीस और दो तीन छः चार सौ छियासी और चार सौ छियासी जोड़ दो इसमें तो दो हजार सॉरी इक्कीस सौ छः कितना आ जाएगा 2106 ये आ जाएगा और 2106 में से फिर 1500 सौ रुपये घटा दो कितना बचा 606। अब 606 बचेगा तो 30 प्रतिशत कितना हो जाएगा 30 प्रतिशत ज़्यादा ज़्यादा कितना हो जाएगा तीन छंग अट्ठारह पॉइंट यहाँ लग जाएगा और तीन छंग अट्ठारह एक सौ इक्यासी का एक सौ इक्यासी पॉइंट एक सौ इक्यासी पॉइंट आठ रुपये का ब्याज हो गया और छः सौ रुपये ये जोड़ दो ठीक है तो कितने रुपए हो गए आपके आपके हो गए छः सौ छः रुपये जोड़ दो तो छः सौ सतासी सात सौ सतासी सात सौ सतासी पॉइंट आठ ये हो गए और जानिए पंद्रह से इक्कीस तो एक वर्ष हो गया दूसरा वर्ष हो गया तीसरा वर्ष हो गया, गया चौथे वर्ष में जो है हिसाब चुकता हो जाएगा तो कौन सा वर्ष लगेगा चौथा वर्ष आपका लगेगा इसमें तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता को ऑप्शन नंबर है बी हमारा और ये भी आंसर आ चुका है बताओ कितने आसान क्वेश्चन हैं ये या तो आसान लग रहे हैं करने के तरीके को देखकर या फिर देख लो कि आसान ही है बस बत ये बता दो है क्या कंडीशन तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है इसमें ठीक है तीन हज़ार रुपये थे तीन हज़ार पर हमने कितना निकाला है तीस परसेंट निकाला है तीस परसेंट से कितना आया ब्याज नौ सौ रुपये आया हमारा कितना हो गया उनतालीस सौ तीन हज़ार पहले से, से पंद्रह सौ रुपए हमने चुकता कर दिए बचे कितने चौबीस सौ चौबीस सौ पे तीस परसेंट निकाला सात सौ बीस रुपये कितना हो गया इकतीस सौ बीस पंद्रह सौ फिर घटा दिए बचे कितने सोलह सौ बीस तीस परसेंट फिर निकाल दिया चार सौ छियासी हो गए इक्कीस सौ छः रुपये रह गए हैं फिर पंद्रह सौ घटा दो इसमें से तो कितना आ गया छः सौ छः तीस परसेंट निकालो कितना आ गया एक सौ इक्यासी पॉइंट आठ आ गया है यहाँ से और अब आपका कितना बचा है यहाँ से सात सौ पॉइंट आठ और यही हमारा कौन सा हो जाएगा चौथे वर्ष में हो जाएगा ठीक है भाई चलिए छप्पनवा क्वेश्चन देखने वाले हैं ये हम हाँ, ये है छप्पनवा क्वेश्चन ठीक है भाई छप्पनवा क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ देता हूँ फिर तो करना किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से सात वर्षों में दो हज़ार रुपये का चौबीस सौ रुपये हो जाता है ठीक है चौबीस सौ रुपये हो जाता है तो चौदह वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी यह धनराशि कितनी हो जाएगी करो इसे फुर्ती से क्वेश्चन हल्का है आराम से कर लो इसको ठीक है फुर्ती के साथ करो करो इसको बढ़िया क्वेश्चन है भाई दो हजार रुपये से कितनी हो रही है चौबीस सौ रुपये हो रही है ठीक है कर दो इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन है दो हजार रुपये से चौबीस सौ रुपये हो जाती है आया आंसर जल्दी बताओ ठीक है भाई नहीं आया आंसर बताओ जल्दी देखिए मैंने बोला सात वर्षों में सात वर्षों में कितनी हो रही है धनराशि चलो मैं पहले अलग लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ सात वर्षों में कितनी हो रही है हो रही है दो हजार रुपये से कितनी चौबीस सौ रुपये हो रही है तो रेशियो बना लो दो जीरो से दो जीरो चार से पाँच बार और चार से छः बार रेशियो क्या बन गया हर सात वर्ष में तो देखो पहले सात वर्षों में कितना हो गया पाँच रुपये से छः रुपये हो गया ठीक है फिर अगली बार कितना हो गया सात वर्षों में कितना हो गया पाँच रुपये और छः रुपये हो गया तो यहाँ पर कितने वर्ष हो गए चौदह यहाँ कितने रुपये हो गए पच्चीस पच्चीस और यहाँ कितने हो चुके हैं छत्तीस अब आपको बताना कि राशि कितनी है हिसाब लगाओ अपने आप पूरे अच्छे तरीके से हिसाब लगा लीजिए क्या क्वेश्चन था ये ढंग से ठीक है भाई तो पच्चीस का मान कितना है पच्चीस का मान कितना दो हज़ार हमें आप मूलधन तो यही है मूलधन तो यही है आपका दो हज़ार ही तो इस पच्चीस का मान कितना है पच्चीस तो 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 का, का मान है दो हज़ार तो पच्चीस अट्ठे दो सौ पच्चीस अट्ठे दो सौ अस्सी बार तो छत्तीस ही गुणा कितने करा दो अस्सी से सौ जीरो आठ छः अड़तालीस चार आसिल ठीक है और आठ से चौबीस या चार अट्ठाईस तो आपका कितना आ गया अट्ठाईस सौ अस्सी देखो विकल्प आपका डी विकल्प हो गया अट्ठाईस सौ अस्सी भाई कोई सात वर्षों में धन इतना हो रहा है तो रेशियो बना लिया हमारा कितनी स्पीड से बढ़ रहा है तो पहले सात वर्ष में हो गया पाँच का छः फिर अगले सात में हो गए पांच का छः तो मूलधन मूलधन कितना हो गया पच्चीस मिश्रधन हो गया छब्बीस चौदह वर्ष होगा वर्ष भी चौदह हो गए तो पच्चीस का मान हमें दो हजार दे रखा है छत्तीस का मान निकालना है ठीक है सवाल हो गया बस एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन करिए लो इस क्वेश्चन को करो पहला ये क्वेश्चन है सत्तावनवा क्वेश्चन है देखिए किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छः वर्षों में अट्ठारह सौ रुपये का सत्ताईस सौ रुपये हो जाता है ठीक है तो अट्ठारह वर्षों में कितनी धनराशि हो जाएगी कितनी धनराशि हो जाएगी अट्ठारह वर्षों में करो इसे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन करो फूर्ति के साथ भाई अभी छह क्वेश्चन हुए हैं और बीस इक्कीस मिनट हो गए क्वेश्चन को चलो फिर भी स्कोर ठीक आ रहा है देखो भाई पहला रेशियो बना लो दो, दो जीरो से दो जीरो यहाँ बना लो ऐसे करना है एग्जाम में भी नौ दिन अट्ठारह नोतिया सत्ताईस तो पहले छः वर्षों में कितना हो रहा है दो अनुपात तीन हो रहा है अगले छः वर्षों में कितना हो रहा फिर दो और तीन हो रहा होगा अगले छः वर्षों में कितना हो रहा है दो और तीन ठीक है भैया दो और तीन अब यहाँ से कितना आ चुका अट्ठारह वर्ष ठीक है और यहाँ से कितना आ गया आठ प्रिंसिपल कितना आ चुका है आठ आ चुका है तीन क्या नौतियाँ सत्ताईस के आ चुका है ये मिश्रधन आ चुका है ये सी ए आ चुका है ठीक है आठ का मान कितना दे रखा है भैया अट्ठारह सौ आठ का मान अठारह सौ चार से दो बार और चार से पच्चीस बार ये डबल जीरो दो से नौ बार पच्चीस नामा दो सौ पच्चीस यानी कितनी बार कट गया दो सौ पच्चीस बार कट गया ये आठ से अब सत्ताईस की गुणा दो सौ पच्चीस तो करनी बनती है दो सौ पच्चीस से तो बनती है कन्नी ठीक है भैया दो सौ पच्चीस से तो बनती है ठीक है अब देखो सत्ताईस पंजे सत्ताईस पंजे एक सौ पैंतीस का पाँच हासिल लगा तेरह सत्ताईस धुनी आपका चौवन चौवन और तेरह है आपका सत्तावन कितना आया सॉरी सड़सठ कितना बचा आपका सोलह ठीक है सत्ताईस धुनी चौवन चौवन और सोलह कितना आ गया सात तो सत्तर पिछहत्तर है क्या कहीं सत्तर पचहत्तर आ गया सत्ताईस धूनी चौवन और सोलह हासिल के तो कितना आ जाएगा छः चार दस छः और एक सात एक सौ पैंतीस हासिल लगे तेरह है ठीक है सत्ताईस धूनी चौवन और तेरह है सड़सठ सड़सठ का सात अच्छा हासिल छः सोरी तो कितना आ जाएगा साठ आ जाएगा मैंने जोड़ दिया सोलह हासिल चलो तो आपका कितना आ जाएगा छः यानी आपका आ जाएगा चलिए यही तो कन्फ्यूजन हो जाता कई बार आपका आंसर आएगा साठ पिछहत्तर इसे देख लो एक बार ठीक है आगे बिल्कुल कर दो तो फुर्ती के साथ ठीक है भाई चलो हो गया होगा वैसे तो चलिए अट्ठावनवा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है ठीक बढ़िया क्वेश्चन है चार हजार रुपये पर पांच प्रतिशत वार्षिक दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिस्र धन कितना होगा बस इतना सा क्वेश्चन चलो इसे कितने तरीके से करूँ मैं ये सोच रहा हूँ मैं करूँ कितने तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ऐसे चलती रही कहानी कितने तरीके से करूँ चलो अपना वाला जरिए करते हैं नहीं पहले सिंपल वाला चलो स्टेप बन करते हैं नहीं बच्चा उतार लो स्टेप बन प्रिंसिपल कितना है चार हजार चलो चार हजार दर कितनी है पाँच प्रतिशत इस परसेंटेज का मतलब होता है ये दो जीरो कैंसिल चार पंजे बीस यानी कि आपका कितना हो चुका है दो सौ यहाँ पर भी कितना हो चुका बच्चा 200 अगले वर्ष फिर चार पाँच परसेंट निकालो दो जीरो पाँच 410 दस चार सौ दस आ गया तो आपका पाँच परसेंट ही है तो कितना आया चवालीस दस आना चाहिए और चवालीस दस का ही आंसर इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा ऑप्शन गलत हो गया होगा चलिए कोई बात नहीं हम अभी ऑप्शन ठीक करते हैं देखो बस थोड़ी देर आप ध्यान मत दो आप पर थोड़ी देर ध्यान मत दो ऐसे रफ कर देंगे ठीक है भाई लो जी अभी हमने एक ऑप्शन बना दिया ये ये ऑप्शन गड़बड़ हो गई है ये ये देखिए कितना है चवालीस सौ दस ये बन गया ऑप्शन ठीक है भाई तो आपका कितना आ चुका है चवालीस सौ दस कई बार गलतियां हो जाती हैं पीपीटी बनाने में टाइप करने में गड़बड़ हो जाती है तो ये आपका आंसर ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं एक टाइप तो आ चुका है स्टेप टू स्टेप टू हाँ जी कैसे करेंगे गुरु जी पांच परसेंट है ऐसे लिख लेंगे हम तो एक बटा बीस वाले था ठीक है लिख लो तो आज बीस रुपए थे कल को इक्कीस रुपये हो जाएंगे कर दो कोई दिक्कत नहीं फिर बीस है फिर इक्कीस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे बच्चा इक्कीस हो जाएंगे अब हम करेंगे इसका चार सौ रुपये कर देंगे इसका हो जाएगा चार सौ इकतालीस चार सौ का मान कितना है चार हज़ार चलो भैया ये भी बहुत आसान है चार सौ से चार सौ कैंसिल कितनी बार कट गया दस बार इसे गुणा करा दो दस से तो आपका आ गया चवालीस सौ दस रुपये ये आ चुका है चलो एक उधर भी है स्टेप जगह है तो यहाँ भी कर देते हैं क्या करना है बेटा डायरेक्ट चार हज़ार रुपये लिखो ये ट्रिक है ठीक है चार हजार रुपये लिखो इस दर का दुगना लिखो पाँच धुनी दस पॉइंट लगा के इसी का बार लिख दो पाँच पंजे पच्चीस और बटे लिख दो सो और फिर पॉइंट हटा कर फिर सो एक दो तीन से तीन के तीन जीरो कैंसिल अब पाँच धुनी दस पाँच से पाँच धुनी दस जीरो पाँच पंजे पच्चीस इस दो से दो बार ब्याज कितना आ गया चार सौ पाँच रुपये चार सौ दस रुपये तो ब्याज आ गया चार सौ दस और चार हज़ार में जोड़ दो तो आपका कितना हो गया चवालीस सौ दस मैं यही तो कह रहा था कितने तरीके से कराऊँगा आपको ये क्वेश्चन ठीक है मैं आपको कितने तरीके से कराऊँ तो कई तरीके से मैंने करा दिए इसमें अब बोर्ड में जगह रही नहीं है वरना तो मैं कुछ और सोचता ठीक है तो ये आपका आ चुका प्रिंसिपल चार हज़ार और चार सौ दस ये आ गया चार हज़ार यहाँ जोड़ दीजिए तब भी आपका चवालीस दस आ जाएगा यहाँ जो भी धन है वो लिख दो जो दर है पहला उसका दुगना लिख दो ठीक है फिर उसी का वर्ग करके लिख दो पॉइंट लगाकर एक तो परसेंटेज का सो आ जाएगा एक पॉइंट का सो आ जाएगा तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल कर दो पाँच से दो बार पाँच से दो सौ पाँच बार और दो से ये दो बार पाँच सौ दो की अगर दो सौ गुना करेंगे चार सौ तो दस और चार हज़ार ये आ जाएगा चवालीस सौ दस यहाँ ये करना था स्टेप टू टू जो था वो थर्ड था इसमें करा हमने पाँच परसेंट बना लिया एक बटा बीस बीस रुपये का कितना हो रहा है इक्कीस हो रहा है पहले वर्ष में फिर बीस का फिर इक्कीस हो रहा चार सौ होगा मूलधन और मिश्रधन हो गया चार सौ चार सौ इकतालीस तो चार हजार का मान है चार सौ का मान और इसके बराबर रख दीजिए आपका ठीक है इतने तरीके से कोई ना कराता होगा मैं तुमको समझ गया नहीं एक क्वेश्चन एक जितने तरीके से आपको यहां करने मिल रहा चलो क्वेश्चन क्या है देखिए उनसठवा क्वेश्चन है अस्सी हजार पर चार प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा तीन वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ भाई कितना होगा सही से बता दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता दो ठीक है बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अट्ठाईस मिनट लगभग हमारी क्लास को हो चुके हैं और हम क्वेश्चन करा चुके हैं आठ ठीक है चलो यार क्या कहोगे तुम भी कि गरीब सा पाला पड़ा ऐसे लिख लो प्रिंसिपल आठ हजार अस्सी हजार सॉरी और दर कितनी है चार प्रतिशत तो दो परसेंट से दो जीरो कैंसिल आठ सौ बत्तीस तो बत्तीस सौ रुपये बत्तीस सौ रुपये बत्तीस सौ रुपये फिर आपके बत्तीस सौ रुपये ठीक है ठीक है अब यहाँ पर फिर करना है चार परसेंट परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल चार धुनी आठ और चार तिया बारह ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है फिर पॉइंटों में जाएगा फिर ये गड़बड़ है ऑप्शन फिर एक सौ अट्ठाईस और यहाँ पर फिर एक सौ अट्ठाईस अब फिर चार परसेंट निकाल दो चार परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा चार अट्ठे बत्तीस दो तीन बारह चौक अड़तालीस और तीन इक्यावन तो पाँच पॉइंट एक दो आ जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर कितना है बत्तीस या छियान छियानवे छियानवे तो, तो यही आ गया और एक सौ अट्ठाइस तीन सौ अट्ठाईस या चौरासी तीन सौ चौरासी आ चुका है और पाँच पॉइंट एक दो आ चुका है और ऊपर कितना है अस्सी हज़ार अब बताओ मेरे तो पॉइंट एक दो नौ आठ नौ नौ आठ ये आना चाहिए चलो अभी इसमें एरर हो गई है क्वेश्चन में तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर है आठ नौ नौ आठ नौ कोई बात नहीं अभी अभी नई नई बात है इसलिए पीपीटी में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्या पता कॉपी हो जाती हूँ विकल्प तो ये आपका विकल्प है नवासी हज़ार नौ सौ नवासी पॉइंट एक दो ठीक है क्या पता मैथ में ही हूँ क्या पता किसी पुस्तक में हूँ क्या पता किसी प्रैक्टिस हाइट में गलत दे रखे हूँ क्या पता एन टी पी सी के प्रैक्टिस हाइट में गलत दे रखे हूँ ऐसा हो सकता है ठीक है मगर हम जो तरीके कराएँ आप उसको समझिए ठीक है आ गया समझ में आपको या नहीं ठीक है भाई आ गया समझ में या नहीं बस इतना बता दो चल भाई हम ही लिखने के लिए बहुत है तू मत लिख मच्छर साठवा क्वेश्चन क्या है कितने क्वेश्चन है भाई अच्छा साठ ही क्वेश्चन है चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका कर दो इस क्वेश्चन को फिर हम आपको थैंक यू बोलेंगे इस चैप्टर से भी फिर कल अगले चैप्टर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे क्वेश्चन है साठवां दस हजार चार सौ रुपये में पा, पांच परसेंट वार्षिक दर से एक वर्ष छः सप्ताह का रे वाह एक वर्ष छः सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा नहीं कराया होगा तुम तो सप्ताह उपता में भी किसी ने नहीं कराया होगा वो करो अब इसको तुम्हें तो नहीं कराया होगा किसी ने भी एक वर्ष छः सप्ताह का सप्ताह तक का करा दिया दिन का करा दिया माह का करा दिया वर्ष का ढाई डेढ़ दो सारे तो करा दिए क्वेश्चन और बताओ कितने कराने हैं भाई ठीक है एक एक टाइप करा दिया क्वेश्चन का एक एक टाइप सारी क्लासे जिसने देखनी तो वो बन जाएगा जीनियस चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज पहले मैंने वो टॉपिक उठाए हैं आपके मैथ में जो आपको बहुत टफ लगते हैं मैंने सबसे पहले वो चीज़ें उठाई हैं फिर देखता हूँ मैं आगे क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा कि आ, केवल हल्की हल्की चीज़ें करा कर, कर काम कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कितना है समझिए दस हज़ार चार सौ हम ऐसी करते हैं टूटी फूटी दर आती है तो इस पर पाँच परसेंट निकालेंगे तो दो जीरो जीरो पाँच चौबीस पाँच पाँच सौ बीस रुपये ब्याज आ गया एक वर्ष का ये तो आ गया एक वर्ष का ब्याज ठीक है अब हमें क्या करना है इसे जोड़ दो इसमें तो कितना आ जाएगा भैया नौ सौ यानी कि दस हज़ार नौ रुपया आ जाएगा इस पर हम निकालेंगे पाँच परसेंट पाँच परसेंट से पहले हम निकालेंगे आपको छः सप्ताह और छः सप्ताह के नीचे लिखेंगे बावन क्योंकि भैया बावन सप्ताह का एक वर्ष होता है बावन सप्ताह क्या होता है एक वर्ष होता है ठीक है तो छः सप्ताह का है बावन सप्ताह का हमें करना है तो चलो कर लेते हैं कुछ बावन से कट जाएगा क्या एक सौ चार और बावन कट गया इस बावन से कितनी बार कट गया ये दो और कितनी बार एक इतनी बार कट गया ठीक है अब ध्यान दो जरा ये नीचे अभी सो होगा परसेंटेज वाला तो इस 100 से ये दो वाले जीरो कैंसिल हो गए तो इक्कीस और 6 बचा तो इक्कीस छक्का एक सौ छब्बीस इक्कीस छक्का एक सौ छब्बीस छ का ना दूनी बारह इसे जोड़ो क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज तो अगर पाँच और एक जोड़ूंगा पाँच और एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा छः छियालीस हुआ क्या भाई पाँच सौ ठेक कहाँ गड़बड़ हुई अरे यार सुनो 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 यहाँ पर हमने पाँच एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड यह हमने लिखा कितना हो गया था यहाँ पर हमारा हो गया था दस हज़ार नौ सौ बीस नौ सौ बीस अब हमें इस पर कितना परसेंट निकालना पाँच परसेंट अब पाँच को हम लिख देंगे बटे सौ और छः बटे बावन अब ध्यान दो यहाँ पर इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल पाँच धोनी दस दो से तीन बार बावन से कट जाएगा कितनी बार दो बार और इक्कीस बार तो इक्कीस क्या कितने होते हैं तिरसठ होते हैं अब जोड़ो इसको तिरसठ जोड़ेंगे तब भी और तो कुछ बची नहीं रहा, तीन है ऊपर सॉरी तीन से भाग होनी है इसमें तीन से सॉरी तो तीन से कितना सात आ जाएगा सत्ताईस कहीं कही ना कहीं तो गड़बड़ हुई है आपको दस हजार नौ सौ ये कैलकुलेशन ठीक है, है, है एक बार चेक करते पाँच परसेंट दर है ठीक है एक बार छः सप्ताह है चक्रवृद्धि भी आज की दर है तो पाँच परसेंट को हमने दो जीरो दो जीरो कैंसिल कर लिए ठीक है अब पाँच सौ बीस का बीस लिख दिया अब आपका है आप यहाँ से कितना आ चुका है यहाँ आ चुका है दस हजार आपका नौ सौ बीस इस पर निकालना है पाँच प्रतिशत दर पाँच बटे सो कर दिया है फिर छः बटे बावन लिख दिया है ठीक अब यहाँ से इस परसेंट इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा पाँच धुनी दस दो से छः कट जाएगा तीन बार अब ये बामन बामन धुनी आपका आ गया आपका आ जाएगा बामन धुनी हाँ ठीक है तो आपके यहाँ से क्लियर हो गया तो ये तो आज आ रहा था इक्कीस बार और इक्कीस तक कितना आ चुका है तिरसठ अब साहब को जोड़ो सवाल तो हो गया था ये आ गया था पाँच ठीक है भाई तो यही व्यास था ठीक है भैया थक गए अब ज़्यादा नहीं कर रहे छोड़ो अब समझ गए नहीं हाँ माइंड गर्म हो गया इससे तो कितना आंसर आ गया पाँच सौ तिरासी ठीक है चलिए इससे आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है हमारा आगे अच्छा तो दोस्तों थोड़ा सा इस पर भी गौर दे देते करो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है चाहो तो इसे अपने वाले कलर से देख लो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसे ज़्यादा गौर करो सब्सक्राइब ठीक है इसकी बहुत ज़रूरत है तुम्हें भी और हमें भी तो इसे सब्सक्राइब करो और दबा के करो बहुत अच्छे से ठीक है तो कल मिलते हैं अपनी नई क्लास पर इसी समय पर तो बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे एक एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके करेंगे बिंदास तरीके करेंगे ठीक है मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत इन्जॉय कर लोगे ठीक है तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर जब तक के लिए जय हिंद जवारत बंदे मातरम